नमस्कार, मैं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। बाइक सवार टकराए ट्रैक्टर ट्रॉली से, दो की मौके पर मौत। क्रिकेट खेलकर घर जा रहे बाइक सवार टकराए दूसरे बाइक सवार से, एक की मौत। वनों में अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग करेगा कार्रवाई, मुख्य वन संरक्षक ने दिए दिशा निर्देश। गौ समाज महासभा की रैली कछारगढ़ के लिए रवाना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की, जहां पर बस में एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई, जहां पर ओम साई नाम कंपनी की बस जो कि पटना से इंदौर जा रही थी, दौ में साहूती गड्ढा के समीप बस में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये ट्रक रिवर्स हो रहा था जिसने बस में टक्कर मारी, जिसके बाद दो यात्री घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला और एक युवक शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, 108 एम्बुलेंस की मदद से दाखिल कराया गया था। महिला को गंभीर चोट है जबकि युवक को सामान्य चोटें बताई जा रही हैं। कुछ घायल आए हैं जिला अस्पताल, क्या मामला है? जी, हमारे यहाँ दो मरीज आए थे, एक नरेंद्र और एक ज्योति पटेल। बस पलटने का मामला है, ये दोनों की हालत ठीक है। ज्योति पटेल जो महिला, उसको तो लेफ्ट साइड शोल्डर में थोड़ी इंजरीज आई है, बाकी नरेंद्र पटेल को ऐसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ राइट आई में हल्का सा अवरेज है, बाकी दोनों की स्थिति ठीक है, बाकी उनको भर्ती कर लिया गया। सर क्या नाम है? मेरा नाम ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। मेरे को भोपाल से एक आरटी आई थी कि एक आरटी हुआ है हटा नाके पे मुक्ति धाम के सामने, तो बस आ रही थी तो ट्रक बैक टू मतलब ट्रक बैक हो रहा था, तो पीछे के स्लीपर सेकंड स्लीपर में बस ट्रक चोट मार दी पीछे से, तो उसमें से एक महिला घायल हुई, बस में गिर पड़ी। इतनी जोरदार से चोट गली कि वो महिला स्लीपर सीट से नीचे गिर गई, इस कारण उसको चोट आ गई। फिर बट हमको आई डी मिली विनोद प्यासी, पायलट विनोद प्यासी और EMT कैलाश अहरवाल। तो हम लोग गए तो महिला को उठाया और उठा के हॉस्पिटल शिफ्टेड कर दिया। 108 थैंक यू। भैया क्या नाम है, क्या हुआ? मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है। हम पन्ना से इंदौर के लिए जा रहे थे ओम साई नाम की बस से, तो वही रात के करीब 12 बजे के करीब, अभी थोड़ी देर पहले अचानक से बस का ऊपर वाला शीशा टूटा, तो जो स्लीपर वाली कोच की हमारी बगल वाली जो पैसेंजर थी वो नीचे गिर गई, और शीशा टूटने के कारण हमें थोड़ा सा घाव लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बाकी हम लोग नींद में थे तो कुछ पता नहीं चला, बाकी अभी शीशा टूटा हुआ है, अभी इलाज के लिए यहाँ पे दमोह हॉस्पिटल में आए हुए हैं। कितने जन घायल हैं? अभी बस दो ही लोग हैं, एक वो है और एक। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बाइक सवार ट्रैक्टर से टकराया है। इस घटना में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि छतरपुर जिले के बक्सवा थाना अंतर्गत पाली गांव के रहने वाले छोटू हल्ले एवं नरेंद्र नाम के तीन युवक दमोह आए हुए थे, एरोरा में अपने परिवार से मिलने आए थे। इसी बीच जब वे वापस जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही ये हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रैक्टर से टकराए, बताया जाता है काफी शराब पीकर ये वाहन चलाया जा रहा था। इस घटना में हल्ले एवं छोटू की मौत हो गई जबकि नरेंद्र आदिवासी गंभीर रूप से घायल है, जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही जलपुर नाका चौकी प्रभारी आर ए पांडे मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं घायल को उपचार के लिए भी पहुंचाया गया। घटना के संबंध में घायल ने हमें बताया। आदिवासी पाली के पाली छतरपुर जिले, कहां से कहां जा रहे थे, क्या हुआ? हम लोग यही अस्पताल से जा रहे थे एरोरा, उसके राजेंद्र नाम के सारे ने बुलाया था एरोरा में, तो हम लोग तीनों गए थे, तो उसने दो लोगों ने बहुत दारू पी ली शराब, लेकिन हमें तो आधी क्वाटा पी हम लोगों ने, हमें बहुत पूरा होश रहा लेकिन हमें लगी भी नहीं है। फार्म ट्रक ट्रैक्टर में घल गए,
लेकिन वे दोनों खत्म हो गए। क्या नाम है उनके जो खत्म हुए? राजेंद्र और हल्ले भाई रेखवार। और तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नयन दादवासी और उनका नाम राजेंद्र दादवासी। छोटा है ना रेख जी की जगह पे है उनका है छोट राजेंद्र दादवासी। कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़ी के तीन लोग हैं। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई की जा रही है। संजय सरबरिया की। दमा जिले के नोटा थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर अभाना के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। इस घटना में दो युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवकों को काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमा देहात थाने के जौनपुर नाका चौकी अंतर्गत सुभाष कॉलोनी में रहने वाले विक्रम सूर्यवंशी गुड्डू ठाकुर, जो कि पुट्टी का काम करते हैं, मजदूरी करके वापस आ रहे थे। बीच रास्ते में ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद वह भाग खड़ा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनको उपचार जारी है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। हो गया गया भाई था वह भाई खंडी में गिर गया। कैसे कहां से कहां जा रहे थे? ठेला में लाया तो बांस वाली पूरे टोटल कोई साइड गया है। और कहां की घटना है ये? ये है अपने पेट्रोल पंप के आगे की। कौन से पेट्रोल पंप? अब ये अभाने की आगे एक पेट्रोल पंप है ना, उधर की घटना है। कितने लोग घायल हुए आप लोग? हमारे दोनों की बस है। क्या नाम है उनका भैया का? विक्रम सिंह सूर्यवंशी। और आपका क्या नाम है? गुड्डू ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? सुभाष कॉलोनी। कहाँ गए थे आप लोग? नोहटा से लौट रहे थे। ये मेरा छोटा भतीजा है, जिसका नाम विक्रम सूर्यवंशी है, पिताजी का मकुंदी सूर्यवंशी। ये पुट्टी का काम करते हैं, तो काम के लिए गए थे वो, तो वहाँ से ट्रक वाले ने मार दिया और ये लोग पुलिया में गिर गए। तो ना तो ट्रक को देख पाए, ना ट्रक का नंबर देख पाए। हालांकि पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है कि वहाँ कुछ लोग थे जो उन्होंने नंबर वंबर देख लिया है, तो उनसे जैसी जानकारी लगेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कहाँ की घटना है भैया? कितने लोग घायल हुए? पास ही की घटना है, हाथ टूट गया, सिर में की चोट है और दो लोग थे उनके साथ में, एक और गुड्डू ठाकुर हैं, वो भी मोहल्ले के, दोनों जन साथ में काम करते हैं। कहाँ के निवासी ये लोग? सुभाष कॉलोनी सिविल वार्ड नंबर 6। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। विशेष रूप से देखा जाए तो दमोह के आसपास लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। प्रहार में ज्यादा ही अवैध उत्खनन हो रहा है, वहीं अथाई क्षेत्र में भी लगातार अवैध उत्खनन जारी है। दमोह रेंज की बात की जाए तो चारों ओर अवैध उत्खनन हो रहा है, वहीं दमोह जिले में भी अवैध उत्खनन जोरों पर है। वन संपदा का लगातार नुकसान हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, शिकार होता है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध उत्खनन भी हो रहा है। इस संबंध में हमने मुख्य वन संरक्षक अनिल सिंह से चर्चा की, तो उनके द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। किस तरह से दौरा हुआ, क्या पाया गया? कल से आज तक मैं दमोह और नौरा देवी के दौरे पर था, और हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे जो कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, उनकी सुविधाओं को भी देखना, वो मुख्यालय में रह रहे हैं नहीं रह रहे ये भी देखना, और जो हमारे कार्य चल रहे हैं, क्योंकि मार्च एंडिंग में हमें काम खत्म करने होते हैं, तो उनके कुछ कार्य भी हमने फील्ड वर्क प्लांटेशन चेक तैयारी वगैरह देखा है, तो काफ़ी प्रगति ठीक है और हम लोग कर लेंगे, फरवरी में सारे काम लोग कर लेंगे। सर, अवैध उत्खनन जोरों पर है लगातार, मुरम के अवैध हो रही है, यहाँ तो पहाड़ियाँ की पहाड़ी खत्म हो जाती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। नहीं, अवैध उत्खनन के लिए भाई हमारा अमला है, और जहाँ पे होता है जब गाड़ियाँ भी पकड़ रहे हैं और गाड़ी रास्ता भी हो रही है, जुर्माना लेकर भी छूट रहे हैं, बट इसमें होना नहीं चाहिए ये, हम चीज इसको हम लिखोगे बताएंगे। सर, आरएफ 109 की बात की जाए तो 40 लाख रुपए के बिल बने हैं सेकंड बीडिंग के, अभी जानकारी हमें नहीं है, अगर ऐसा है मैं डीएफओ से उसकी जांच करा लूंगा। मौके पर डीएफओ रेंजर सहित तमाम स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दबाव। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत लखरौनी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के सदस्यों ने एक महिला की जमीन को बेच दिया। चंद घंटों के बाद जब शिकायत की गई तो तत्काल ही जमीन को वापस उसी महिला के नाम पर दर्ज कर दिया। घटना की शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई गई है। लखरौनी निवासी कविता उपाध्याय की जमीन थी, जिसे उनके जेठ सुरेश उपाध्याय के द्वारा पथरिया में टीआई रहे रामनाथ तिवारी को बेच दिया गया।
इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई, आपत्ति दर्ज कराई गई, तो शाम लगभग 5:30 बजे पुनः उन्हीं के नाम पर यह जमीन दर्ज करा दी। इस मामले को लेकर कविता उपाध्याय के द्वारा अपने अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर संपूर्ण मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। कहां से आए हैं, क्या समस्या? हम लोग आए हैं लखरौनी पथरिया से। हमारी पत्नी की जमीन थी, वो हमारे भाई ने सुरेश उपाध्याय और पटवारी की मिली भगत से रामनाथ तिवारी को रजिस्ट्री कर दी गई 27/1/23 को। जैसे हमको मालूम पड़ा, पटवारी के पास गए, पटवारी बोला कि गलती से यह नाम कट गया था, आपका नाम, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। उसको तुरंत फिर 5:30 इन्हीं के नाम पर कर दिया गया, कविता उपाध्याय, जो कि आज भी इनके नाम पर। परेशानी क्या आई? परेशानी यह रजिस्ट्री हो चुकी है रामनाथ तिवारी के नाम, रजिस्ट्री भी ले गए, उसको पूरे गांव में घुमा रहा है रजिस्ट्री को, बोल रहा है तो हमारी जमीन आज रजिस्ट्री हो गई। क्या नाम है आपका? श्याम उपाध्याय। आप भी बोलेंगे जी? ये पथरिया तहसील के लखरौनी का मामला है। यहाँ पर कविता उपाध्याय की जो काश्तकारी ज़मीन थी, उसको उनके सगे जेठ सुरेश उपाध्याय ने, हल्का पटवारी जो देवेंद्र पटेल ने, उनसे मिल करके 27 जनवरी को एक खसरा अपने नाम बनवाया और उस खसरा की कॉपी को निकाल करके वो पूरी की पूरी ज़मीन रामनाथ तिवारी जो पूर्व TI रहे हैं उनके नाम पर दर्ज करा दी। इसकी जब भनक इन लोगों को लगी, इन्होंने जाकर के उसकी आपत्ति तत्कालीन जो आपकी उपपंजीयक हैं उनसे करी, तहसीलदार से करी, पटवारी से करी, तो उन लोगों का कहना ये था कि आपकी ज़मीन हम ज्यों की त्यों दर्ज करा दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने फिर एक दूसरा अपराध करते हुए वो जगह जो कि तो इनके नाम पर शाम को 5:30 बजे खसरा में दर्ज कर दिया। इस प्रकार से राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से एक लंबे समय से लोगों की बेशकीमती ज़मीन स्थानांतरित की जा रही है और इसमें राजस्व अधिकारियों के साथ साथ हल्का पटवारी और उपपंजीयक की मिली भूमिका है। इन सब की विधिवत जाँच हो, इसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया है और उनसे ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से कराई जाए और जो जो दोषी हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। काफी बड़ी मिलीभगत है, 27 जनवरी को पूरा खेल हुआ है, मामले में FIR दर्ज करने की मांग रखी गई है। देखने लायक होगा कब तक इस मामले में कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, LDC News, दबाव। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत हटा रानी मार्ग पर झामर गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। मृतक का नाम चंदेश विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो कि रानी का रहने वाला है, बाइक पर बैठा हुआ था। दामोदर विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जाता है बाइक पर उत्सव साहू, आलोक राजकुमार बैठे हुए थे, वह भी घायल हुए हैं। क्रिकेट मैच खेलकर ये लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ है। घायलों को सिविल अस्पताल हटा में दाखिल कराया गया है। संजय सरवरिया, LDC News। गौर समाज महासभा की एक रैली दमोह से कछारगढ़ के लिए रवाना हुई। दमोह के रेलवे स्टेशन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार माघ पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिवसीय गौड़ी धर्म सम्मेलन होता है, जिसमें भारत के समस्त प्रांतों के, देश विदेश के, जनजातियों के सभी धर्मों के लोग सम्मिलित होते हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन होता है। रविवार से इस मेले का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर पूजा अर्चन भी होता है। क्या हमारे यहाँ कछारगढ़ रैली जा रही है, जो दमोह स्टेशन से बिलासपुर जाएगी, बिलासपुर से जाएगी दरेकसा, और दरेकसा से
बड़ा देव स्थान हमारा है, वहाँ पूरे देश भर से न होंगे तो कम से कम 10-12 लाख आदमी पहुँचते हैं। उसी से हम अपने यहाँ से रैली भेज रहे हैं और ये हमारी रैली दरेकसा से होते हुए बड़े देवस्थाना जाएगी। क्या करते हैं वहाँ पहुँच के, क्या होता है वहाँ? हमारी गौड़ी संस्कृति की पूजा पाठ होती है और पूजा पाठ होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और देश विदेश से और हमारे देश के नेता लोग सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं शिरकत करने के लिए। किस संबंध में ये लोग जा रहे हैं क्या? आज सभी आदिवासी समाज के हमारे दमोह जिले के जो लोग हैं सभी कचारगढ़ जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली जो जिला है वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें देश के और साथ साथ विदेश के कई आदिवासी समूह के लोग सब आते हैं, वहां पर एकत्रित होते हैं और आदिवासी जो गौड़ी समाज की जो पूजा पाठ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गीत संगीत है, उसका कार्यक्रम पूरा एक दिन चलता है और सभी लोगों का मेल मिलाप वहां पर होता है। इसलिए हमारे समस्त दमोह जिले के जो आदिवासी हैं, चाहे आप सागर से भी आप देखेंगे वहां से भी आएंगे, बांदकपुर से जुड़ेंगे, दमोह के ये पूरे जो चारों विधानसभाओं के लोग यहाँ एकत्रित होकर वहां पर कचारगढ़ जा रहे हैं। तो उन्हीं की शुभकामनाओं के, क्योंकि उनकी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि ठंड का भी समय है, तो मैं उनके लिए कंबल भी और कुछ चीजें लेकर आई हूं कि उनको दे दूं, जिसमें कि इनको रास्ते में सहूलियत हो और इनकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, शुभकामनाएं इनके लिए। जाते हैं उत्साह में, कोई कमी नहीं होती ऐसा? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो माघ पूर्णिमा का मेला रहता है जो बहुत महत्व रहता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो साल भर में जो प्रकृति शक्ति की पूजा करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन, वहाँ हमारे समाज के सारे लोग मत्था टेकने जाते हैं और वहाँ चाहे जितना भी बड़ा मंत्री संतरी या वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन उस दिन माघ पूर्णिमा के दिन वहाँ उसको जाना जरूरी रहता है। अगर वहाँ अपन जाते हैं तो पूरी साल जो उनकी इच्छा से जो उनका आशीर्वाद मिलता है पूरी साल हम लोग के साथ चलता है। मैं इसी सेवाओं के साथ सभी को सेवा जोहार करके विदा करती हूँ, सभी को यात्रा मंगलमय हो। इस अवसर पर समाज के लोग मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर के संस्कार भवन में एसआरटी समाज दमोह के द्वारा कथा का आयोजन चल रहा है। संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। किशोरी वैष्णवी गर्ग के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया गया। कथा का समापन हुआ, भंडारे का भी आयोजन किया गया। यमुना मैया के साथ संपन्न हो जाता है, बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। यमुना कौन है? सूर्य नारायण की वही यमुना मैया, उनका नाम कालिंदी थी। उनके साथ हमारी कन्हैया का विवाह संपन्न होता है तथा उज्जैन के राजा राजा बिंद और अनुबिंद अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते हैं। परंतु जिस तरह से रुक्मिणी मैया कन्हैया को अपना मन ही मन पति मान बैठी थी, उसी तरह से यहाँ पर मृत वृंदा भी भगवान को अपना मन ही मन पति मान बैठी थी। भगवान जिस तरह से रुक्मिणी मैया का हरण करते तो इनका भी हरण करके भगवान द्वारिकापुरी ले आते हैं और इनके साथ भी भगवान विवाह कर लेते हैं। बोलो मित्र वृंदा कृष्ण भगवान की। सत्या का विवाह संपन्न होगा। अब वहां पर बड़े बड़े चूरमा भी आए परंतु कोई भी सात बैलों को एक साथ न नाच पाया। हमारे गोविंद वहां पर पहुंचे और पहुंच करके सात रूप धारण करके एक साथ सात बैलों को नाच देते हैं, तो इससे भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ संपन्न होता है। बोलो सत्या कृष्ण भगवान की। बुआ कन्हैया से कहती कि कोई हमसे एक ऐसा रिश्ता बनाया जाए तो क्या किया जाए, हमारी पुत्री भद्रा के साथ तुम अपना विवाह करा लो। और यहाँ पर कन्हैया का विवाह भद्रा देवी के साथ होता है। बोलो भद्रा कृष्ण भगवान की। ऐसे अनेकों ने हमारी कन्हैया ने विवाह यहाँ पर मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा मैया के साथ भी हमारे कन्हैया का विवाह। आगे तो भगवान की लीला है, आठ भगवान के ऐसे मुख्य पटरानियां हो, ये भगवान के आठ विवाह संपन्न हो गए। और आप पूछेंगे कि प्राग ज्योतिषपुर में उन सभी 16,100 कन्याओं को बंधन में रखे हुए हमारी कन्हैया को तो लीला कर ली, मन में विचार किया कि कैसे जाकर के और उन सभी 16,100 कन्याओं को मुक्त करेंगे। और देखो यहां पर जो सत्य
साक्षात पृथ्वी का अवतारी है। और नरकासुर को भौमासुर भी कहते हैं क्योंकि ये भूमि से प्रकट हुआ है, इसलिए इसे भौमासुर भी कहते हैं। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, तमहो। प्रभु आप जब तक हमारे पुत्र का अर्थात भटियागढ़ में चल रहे 5 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5वें दिन शुक्रवार को गजत महोत्सव हुआ। मुनि श्री सुब्रत सागर जी और छुल्लक श्री वर्धन सागर के सत्संग में मुख्य प्रतिष्ठाचार्य संजय भैया की उपस्थिति में श्री 1008 भगवान आदिनाथ जन्म पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव चल रहा था। इस मौके पर काफी बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि आज ग्राम भटियागढ़ में चूंकि धर्म नगरी बन चुकी है, यहाँ पर प्रत्येक कार्यक्रम जैन समाज के हो या हिंदू समाज या अन्य समाज के होते ही रहते हैं। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है वो भटियागढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये गजरथ महोत्सव कलशारोहण और ये कार्यक्रम आज आप सभी ने देखा और बहुत आसपास के सभी जगह से लोग आए, सब ने धर्म लाभ लिया। और मैं और आशा करता हूँ ऐसे कार्यक्रम यहाँ भटियागढ़ में होते रहे, हमारे आपके और सबके। धन्यवाद। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा ग्राम गुंजौरा में आसमान में अचानक रहस्यमय रोशनी नजर आई, जिसके बाद गांव में हड़कंप देखा गया। काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिनके द्वारा देखा गया कि एक कोई रोशनी जा रही है। किसी के द्वारा एलियंस बताया गया, किसी के द्वारा कुछ और बताया गया, लेकिन ये तमाम जो तैयारी है, बताया जाता है कि एलन मस्क के द्वारा अपने स्पेस आसमान में छोड़ा जा रहा है ताकि इंटरनेट की अच्छी सुविधा लोगों को मिल सके, सैटेलाइट नेट की सुविधा मिल सके, जिसके लिए सैटेलाइट छोड़े गए थे। दमोह में भी ये नजारा नजर आया, देश के अलग अलग राज्यों में ये नजारा देखने को मिला। कल रात मेरे गांव ग्राम गुंजौरा में 7:30 से 8 के लगभग अदृश्य एक तरंग का आवाज हुआ, लाइट का आवाज हुआ, जिसके चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल है। यह लाइट करीबन 10-15 मिनट दिखाई दी, जिसके चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल। सुना है कि आसपास भी यह लाइट का दिखाई दी, जिसके चलते पूरे गाँव में पूरे आस पास के गाँव में भी यह दहशत का माहौल है। अदृश्य तरंग का आवाज हुआ था। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के हरदी ग्राम के पास कोटमाई मंदिर सिद्ध बाबा में संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के चौथे दिन कथाव्यास पंडित दिनेश पाठक महाराज के द्वारा भगवान की अमृतमय लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा सुनाते हुए कहा गया कि राजा बलि ने अपने सर्वस्व ईश्वर को दान कर दिया था, गुरु ने ईश्वर से साक्षात्कार करवाया। इस अवसर पर संजय सरपंच अंकित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अग्रसेन मड़िया के सरपंच प्रीतम सिंह लोधी भी कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नवोनारकी शैक्षणिक संस्था मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के रूप में अचय मसीह के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनका जो लक्ष्य है इस शाला को और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है। शाला लगातार विकास कर रही है और वह चाहते हैं कि इसी तरह से निरंतर आगे और भी अधिक विकास हो। तमाम शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक रवैये से काम करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। मैंने कल
मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पद के रूप में प्रभार ग्रहण करने की कार्यवाही शुरू करी है रूबी मैडम के साथ, और कल कुछ दस्तावेज मैंने प्राप्त किए। जहाँ तक इस स्कूल को आगे बढ़ाने की बात है, मेरा मैनेजमेंट के साथ मिलकर भरसक प्रयास रहेगा कि जो सहकर्मी ईश्वर ने मेरे को दिए हैं प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल के, उनके साथ मिलके ये पुरखाओं का स्कूल है ये आगे बढ़ता चला जाए और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं ऊँचे पदों के ऊपर पहुँचें, ये मेरा उद्देश्य होगा। सबको साथ में लेके मैं कार्य करूँगा बड़ी ईमानदारी के साथ। चलते चलते एक नजर समाचारों पर। बाइक सवार टकराए ट्रैक्टर ट्रॉली से, दो की मौके पर मौत। क्रिकेट खेलकर घर जा रहे बाइक सवार टकराए दूसरे बाइक सवार से, एक की मौत। वनों में अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग करेगा कार्रवाई, मुख्य वन संरक्षक ने दिए दिशा निर्देश। गौर समाज महासभा की रैली कछारगढ़ के लिए रवाना। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हम इजाजत।